अगर इकट्ठा रहता तो ज्यादा अच्छा होता, सब मिलके रहते। देखिए होता है अच्छे के लिए होता है जी, लोगों में प्यार है, लोग नहीं चाहते कि झगड़े हों। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस, हिंद व्लॉग्स में आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। गाइस आज मैंने ना प्लान बनाया यार इंडिपेंडेंस डे के दिन मोरनी को एक छोटा सा रोड ट्रिप कर रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया था मोरनी नहीं गया था मैं, तो हमने सोचा कि मोरनी जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा घूम भी लेंगे और जो है इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करेंगे। देखते हैं वहाँ पे कैसे लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज 75 साल हो चुके हैं, 75 ईयर्स हो चुके हैं हमारे देश को आज़ाद हुए। दोस्तों देश तो हमारा आज़ाद हो चुका है, बट जैसे कि मैं देख रहा हूँ अभी जो आप जानते हैं कि हमारे देश में कैसे क्राइसिस चल रहे हैं, कि देश का किसान जो है सड़कों पे उतर रखा है। तो मेरे हिसाब से हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं है। तो यार मैं आपसे सबसे एक मतलब एक विनती करना चाहूँगा कि जो हमारे फार्मर्स हैं, हमारे किसान हैं, उनको सपोर्ट किया जाए। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट से भी मेरी जो है रिक्वेस्ट है कि भाई किसानों की जो मांगे हैं उन्हें पूरा कर दिया जाए। तो दोस्तों चलते हैं मोरनी की और देखते हैं भाई क्या चल रहा है वहाँ पर। यार मौसम हो रखा है सुहाना और भाई मजे आ रहे हैं साथ में हमारे। एक ये देखो एक फ्रेंड आया मेरा भाई, बंदे मातरम बोल सबको। मौसम जो है अपना रुख बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है यहाँ पे, कभी धूप हो जा रही है कभी धूप गायब हो जा रही है। और मौसम ऊपर तो ठंडा है मोरनी वाली साइड, मतलब ये सही टाइम पे मोरनी आने का मैं कहूँ तो, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। जैसे हिमाचल वगैरह में जाना तो ठीक नहीं रहता क्योंकि यार वहाँ पे अभी लैंडस्लाइड वगैरह हो रहा है। यहाँ पे भी हो रहा है पहाड़ों में, बट यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे मिट्टी है पहाड़ों में ज़्यादा, तो मतलब ऐसी चट्टाने नहीं है कि टूट के मतलब आपका नुकसान हो जाए कुछ। तो भाई वैसे आप यहाँ पे आओ भाई, मज़े लो, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं मोरनी, बस यहाँ से कुछ अराउंड मेरे ख्याल से 7-8 किलोमीटर रह गए मोरनी। तो फिर मोरनी जाके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे एंड देन वहाँ पे यार आज हमने एक अलग जगह भी एक्सप्लोर करनी है। मोरनी तो मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ, आपने देखा भी है मेरी वीडियो में, बट एक अलग चीज़ है जो आज मोरनी में आपको दिखाने वाला हूँ मैं। लेते हैं कुछ लोगों से बात यहाँ पे ना, उनसे पूछते हैं आज कि आज का दिन हमारे लिए क्या मायने रखता है। अगर कोई भाई चाहेगा हमारे साथ बात करना तो ज़रूर से बात करेंगे। अभी किसी से रैंडमली पूछ लेते हैं कि चलते हैं चलो किसी की तरफ यार, आपका नाम बता दीजिए। माय नेम इज़ सुधांशु शर्मा। ओके, आपका नाम सुधांशु है। तो सर जैसे कि हम जानते हैं कि आज इंडिपेंडेंस डे है, तो मतलब आपको इंडिपेंडेंस डे के बारे में क्या पता है आपको? इंडिपेंडेंस डे के बारे में मतलब आज हमारा देश आज़ाद हुआ था और उसके बाद हम इसको सेलिब्रेट करते हैं टू मतलब टू ऑब्जर्व आवर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स और एंड टू रिमाइंड आवर कम फ्यूचर जनरेशंस कि किसने कितना बलिदान दिया और कितना इम्पॉर्टेंट डे है आज और जो उनका सेक्रीफाइस है उसको हमें बनाए रखना है। तो जैसे टू इम्प्रूव द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। आप बता सकते हैं कि क्या डेट थी वो जिस दिन हमारा जो है देश आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। 1947 तो मतलब इंडिपेंडेंस डे के नाम से जाना जाता है। हाँ। और लोगों का युवा कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा 26 जनवरी और 15 अगस्त के बीच में। हाँ। क्या आप जानते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त के बीच में क्या डिफरेंस है? देखो 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली थी, फिर हमने अपने प्रोसेस शुरू करे, टेक ओवर का ट्रांसफर स्टार्ट किया, फिर 1950 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ, इसलिए हम 26 जनवरी मनाते हैं। ओके, जय हिंद। हेलो, आपका क्या नाम? हेलो मनीषा। आपका नाम मनीषा, तो आप यहाँ पे आज मोरनी हिल्स में टिकट दाल में आए हो, क्या मतलब स्पेशल ओकेजन समझ के? यस, आज इंडिपेंडेंस डे है तो स्पेशल ओकेजन समझ के हम यहाँ घूमने आए हैं। तो आपको पता होगा कि इससे एक दिन पहले हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मतलब बंटवारा हुआ था। हाँ, इंडिया से अलग हो चुका था पाकिस्तान। हाँ, उसके ऊपर क्या व्यू रखना चाहते हो आप कि क्या सही हुआ था वो या फिर गलत हुआ था? देखो सही अपने अपने व्यूज है इस पर, अगर इकट्ठा रहता तो ज़्यादा अच्छा होता, सब मिलके रहते। आज हमारा जो अमृतसर और जो हमारा जो बॉर्डर ना बनता, सब लाहौर जैसे सेपरेट हो गया था, तो सब सही रहते, मिलजुल के रहते और खुशियाँ होती और बंदा मिलजुल के रहता है। कैसे आंटी जी आप?
बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। और आज यहाँ पे आप घूमने आ रखे हो, मतलब? हाँ जी। मोरनी हिल्स, तो आज इंडिपेंडेंस डे के दिन कुछ खास आपने सोचा था घर से कि मतलब घूमने जाएंगे आज? देखिए, मैंने सोचा था कि हम अपने घर में झंडा फहराएंगे, बट बाय द चांस हमारा आज घूमने का बन गया, तो मैं मिस कर रही थी कि मैं झंडा फहराऊँ। मतलब आते टाइम में मुझे ऐसे लग रहा था कि आज कहीं झंडा मिल जाए या कहीं फहराते हुए हम चले जाएं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रहता है कि जब भी कोई त्यौहार है या कोई नेशनल फेस्टिवल है इस टाइप का, तो हम उसको ज़रूर मनाएं बच्चों के साथ, ताकि बच्चों को इन सब के बारे में पता चलता रहे। कोई भी मजा आ गया यहाँ झंडा देख के, मज़ा आ गया कि भाई चलो हमारे दिल की ख्वाहिश भी पूरी हो गई। और वो कहाँ से वैसे बेसिकली? हम फरीदाबाद, NCR दिल्ली से। ठीक है, आप तो आप ये बता दो कि आज का जो दिन है हमारे लिए, मतलब क्या मायने रखता है आज का दिन? देखिए, ये दिन तो मेरे ख्याल से सिर्फ हमारे लिए नहीं, सब भारतवासियों के लिए मायने रखता है। इस दिन हमें आज़ादी मिली थी, इससे बढ़िया इससे मतलब आज़ादी जो है, हम ठीक है उसको बहुत ज़्यादा अभी हम लोगों को उतने खुले दिमाग नहीं है, जैसी चाहते थे भगत सिंह वैसी तो नहीं मिली, बट फिर भी ये है कि चलो हमें दूसरों की उससे नहीं, अपने कुछ फैसले लेने के सकते हैं, आज़ादी है हमें हर चीज़ की, तो इसलिए बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। ओके, तो आपको जैसे पता होगा कि कल था 14 अगस्त, और जैसे कि आप जानते हैं कि देश का बंटवारा मतलब हुआ था कल, जैसे जो नेक्स्ट डे होगा टुमारो होगा वो पाकिस्तान के लिए मतलब आज़ादी का दिन होगा, तो मतलब ऐसे जैसे आप कह सकते हो कि आपके घर से कोई मेंबर अलग हो जाए तो मतलब उसका दुख तो हमें हमेशा रहता है। बिल्कुल रहता है, बट फिर भी मतलब आप क्या कहना चाहोगे कि क्या आपके हिसाब से सही हुआ था उस वक्त? देखिए, होता है अच्छे के लिए होता है जी। हाँ, मतलब ये देख लो जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब सब अलग अलग हो गए तो उस जैसे एक परिवार बड़ा होता है, सभी को धीरे धीरे चेंज होना होता है, अलग अलग होना होता है ताकि प्यार बना रहे। ओके, अब कुछ लोग प्यार नहीं बनाना चाहते, वो बात अलग है, तो लेकिन प्यार बना रहे हम लोग यही चाहते हैं। और प्यार बनाने के लिए भी कई बार अलग होना बहुत जरूरी होता है। आपकी बात मुझे सही लगी, प्यार बनाने अलग तो होना पड़ता है, कई बार दूरियों से कभी थोड़ा बढ़ जाता है। अब ये है ना कि देश की बातें हैं, उसमें मेरे को लगता है लोगों में कम मतलब लोगों में प्यार है, लोग नहीं चाहते कि झगड़े हों, पर मुझे लगता है कि ऊपर की सियासतें जो है ना, वो अपनी सियासत के लिए कुछ झगड़े क्रिएट करते हैं। धर्म भारत माता की जय। गाइस, यार हम यहाँ से जो अपना टिकट काल है यहाँ से निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं आगे, एक एडवेंचर पार्क है, हॉन्टेड पार्क है वो, तो वहाँ पे चलते हैं अंदर और देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ें हैं। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा, जो एडवेंचर पार्क वाला ब्लॉग होगा वो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा, तक के लिए बाय बाय, और सभी दोस्तों को भाई हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और